friends, myself, harivansh Pratap singh. currently i am working with abs engineering college, ghaziabad. today i have discussed on iso 9001 model and cmi, cmm level model. what is that? basically, all are the quality parameters of the any industry or software. right? these are the international standards that is accepted by the worldwide in each and every um, IT industry and many more uh, production companies also. Right. That is what is the ISO 9001. Basically, this is the quality standards. Basically, ISO is taken by the Greek words. That is called equal. Right. ISO. This is equal. And so associated with the wanted to convey the idea of quality. That means what? That is convey the idea of quality. इट इज दटैम्प्ट इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर क्वालिटी बेस्ड ऑन द आई एस ओ नाइन थाउजेंड सीरीज स्टैंडर्ड्स राइट इट इज अटैम्प्ट टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर क्वालिटी बेस्ड ऑन द आई एस ओज नाइन थाउजेंड आई एस ओ नाइन थाउजेंड वॉट दैट इज सीरीज दैट इज द क्वालिटी फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड बाई द स्टैंडर्ड्स बाई द इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन दट इज वॉट अगर ये आई सी आई एस ओ नाइन थाउजेंड वन किसी को एक्रीडेट करता है किसी भी इंडस्ट्री को किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी किसी भी चीज़ को तो इन दैट केस कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स हैं जिसको आपको उस प्रोडक्ट को या उस कंपनी को फॉलो करने ही पड़ेंगे राइट फॉर द डेवलपमेंट और डिलीवरी ऑल्सो इट हैज़ बीन एडॉप्टेड बाई द ओवर वन थर्टी कंट्रीज वन थर्टी कंट्रीज आज के इसमें और ज़्यादा कंट्रीज ने अडॉप्ट कर चुके हैं एंड इंक्लूडिंग इंडिया एंड जापान ऑल्सो राइट एंड ऑफ एंड द

मतलब किसी भी प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए आई सो नाइन मिल सकता है अगर वो डेवलपमेंट में क्वालिटी प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं और एंड प्रोजेक्ट भी क्वालिटी आता है राइट क्वालिटी चेकिंग होती है तो व्हाट इज़ द आई 9000 बेसिकली द आई 9000 नाइन थाउजेंड अप्लाइज ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो चाहे वो प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो कोई प्लांट्स हो या फूड इंडस्ट्री हो कई जगह आई ए नाइन थाउजेंड में अप्लाई हो सकता है क्वालिटी चेकिंग के बाद उनको एग्रडेशन प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर अडोप्टिंग द स्टैंडर्ड्स आफ्टर अडोप्टिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ ए कंट्री टिपिकली परमिट आई एस ओ रजिस्ट्रेशन कंपनीज जो भी आई एस ओ में रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज राइट एंड आई एस ओ नाइन थाउजेंड सीरीज इज जस्ट

मान ली कोई फूड प्रोडक्ट है मार्केट में आ रहा है या कोई ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट आ रहा है टेलीविज़न आ रहा है हेड ड्रायर्स आ रहे हैं मोबाइल्स आ रहे हैं तो उसमें भी अगर वो कंपनी लिस्टेड है आई में तो उसको सारे रूल्स रेगुलेशन प्रोसेस पैरामीटर्स फॉलो करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा सारे क्रिडेशन जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा राइट right? तो बेस्ड ऑन दैट उनको वो ऑथराइजेशन मिलता है तो आई सो नाइन थाउजेंड सर्टिफिकेशन इज़ वॉट बेसिकली द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस फ्यू स्टेजेस मैंशन है पहले ही आई सो नाइन थाउजेंड में बेसिकली वॉट इज दैट अप्लीकेशन क्या अप्लीकेशन आप करने वाले हैं क्या उसको अपलिकेशन जो आप ऑपराउट बना रहे हैं उसका क्या यूजेस क्या है बेसिकली वो प्रॉपर मैंशन करना पड़ेगा प्री असेसमेंट आपने कितनी बार किया है क्या किया करा उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपको दिखाना पड़ेगा प्रॉपर एंड डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू एंड एडिक्वेट ऑफ ऑडिट जो भी आपने ये प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हैं उसको आपको ऑडिट कराना पड़ेगा मल्टीपल टाइम और मल्टीपल टाइम रिव्यू में जो चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं उसको नेक्स्ट वाले टाइम में उसको एडॉप्ट करके मॉडिफाई करना पड़ेगा राइट दैट इज द प्रोसेस ऑफ आई एसो नाइन थाउजेंड एंड कलम कंप्लाइंसेज ऑडिट अगर कोई कंप्लाइंस आया है तो उसको उसकी भी ऑडिट होगी और उसको ओवरकम करना पड़ेगा नेक्स्ट वर्जन में एंड रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको आई सी नाइन थाउजेंड में एंड कॉन्टिन्यूड सर्वेलाइंस और जो आई सी नाइन थाउजेंड है वो ईयरली हाफअरली क्वार्टरली डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी वो अपने उनकी टीम जो है वो कंपनी को विजिट करती रहती है और सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेसेस बजट्स इच एंड एवरी थिंग मल्टीपल थिंग्स जो पैरामीटर्स हैं आपके यहाँ पे उनको मल्टीपल टाइम रिव्यू करती रहती है दैट्स मीन आप कॉन्टीन्यूड सर्वेलेंस पे होते हैं बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन या बाय दिस प्रोसीजर तो बेसिकली देखते हैं कि 9000 सीरीज है क्या बेसिकली तो आई एस ओ सीरीज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज टू विद डिफरेंट आई स्टैंडर्ड्स अप्लाई और फॉलोर्स वो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं देखिए 9001, 9002, 9000 थाउजेंड इसलिए इनको सीरीज बोला जाता है 9000 सीरीज़ हैं आई सो नाइन में क्या होता है द स्टैंडर्ड्स अपलाइज द ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन द डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोडक्शन एंड सर्विसिंग ऑफ गुड्स क्या क्या है बेसिकली अगर हम किसी प्रोडक्ट की डिज़ाइन कर रहे हैं दैट इज किस में आएगा वो नाइन में अगर हम किसी चीज़ का डेवलपमेंट कर रहे हैं चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो चाहे वो कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो मे बी वो हार्डवेयर भी हो सकता है राइट right? तो इन दैट केस नाइन थाउजेंड वन सर्टिफाइड होना चाहिए एंड प्रोडक्शन आपका कोई यूनिट है तो प्रोडक्शन में मशीनरीज क्या लग रही हैं क्वालिटी पैरामीटर्स क्या हैं क्वालिटी चेकिंग पैरामीटर्स क्या हैं रिव्यू प्रोसीजर्स क्या हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन का प्रोसीजर क्या है कस्टमर कंप्लाइंस को लेने का प्रोसीजर क्या है प्रोडक्शन के प्लांट्स जो लगे हुए हैं उनमें क्लीननेस वगैरह ईच एंड एवरी जो भी चेक कर सकते हैं वो डॉक्यूमेंट के प्रॉपर रिव्यू आपके इंस्पेक्शन का प्रोसीजर क्या है राइट right? आपने कोई इंटरनल टीम बना रखी है नहीं बना रखी है ईच एंड एवरी जो प्रोडक्शन में अप्लाई होती हैं तो वो कौन सर्टिफाइड करता है नाइन अगेन सर्विसिंग ऑफ गुड्स अगर आप कोई गुड्स मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी सर्विसिंग कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं एक्चली में आप देखें कोई भी मोबाइल आता है तो आपको वारंटी व गारंटी के साथ आता है अगर वो वारंटी गारंटी के साथ है तो आपको नाइन थाउजेंड वन सीरीज से एक्रेडेशन मिलेगा अथॉरिटी मिलेगी एक्रेडेशन मिलेगा वेरीफाइड होगा वहां से अदरवाइज नहीं होगा बिकॉज मीन्स वॉट कि आफ्टर द डिलीवरिंग ऑफ गुड्स वॉट आर द रिलायबिलिटी वॉट आर द रॉबर्टनेस वॉट आर द फेथ ऑन योर गुड्स एंड हाउ टू सेटिस्फाई योर कस्टमर राइट तो बेस्ड ऑन दैट की सर्विसेज ऑफ गुड्स अगर आप एक कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं चाहे वो टेलीविजन हो चाहे वो फ्रिज हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो तो एक टाइम तक मेंटेनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर दैट चार्जेस लगते हैं सेम चीज़ सारे गुड्स में है तो इन देश काफ सर्विसिंग ऑफ गुड्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट दिस इज इज द स्टैंडर्ड दैट इज अप्लाइज द मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ये सारे मैक्सिमम आईटी इंडस्ट्रीज जो हैं इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर वो मेंटेनेंस सिक्स मंथ वन ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कि वो उनके इनिशियल बजट में ही इंक्लूड होता है नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट एक्चुअली राइट एंड वॉट इज द नाइन थाउजेंड टू दिस इज द स्टैंडर्ड अप्लाइज टू ऑर्गेनाइजेशन टू विच डू द नॉट डिजाइन प्रोडक्ट एंड ओनली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन यह डिजाइन डेवलपमेंट में नहीं है नाइन थाउजेंड टू ओनली फॉर द इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ओनली नाइन थाउजेंड टू एग्जाम्पल कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कोई आपका बाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना या किस सिर्फ पिस्टन ही बना रहे हैं कोई ऑटोमोबाइल पार्ट्स ही बना रहे हैं तो कोई प्रोडक्शन यूनिट जहाँ पे है सिर्फ वहाँ पे 9002 थाउजेंड उसको सर्टिफाइड करेगा जबकि नाइन डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोडक्शन एंड सर्विस गुड चारों चीज़ों में करेगा राइट इसलिए मैक्मम जगह आप देखते देखते हो आई आई सो सर्टिफाइड मैक्सिमम जगह आप लिखा हुआ देखते हैं ये राइट वट इज़ द नाइन टैंडलाइज ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द ओनली इन इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग राइट ओनली इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग राइट नाइन थाउजेंड थ्री में क्या आएगा बेसिकली इंस्टॉलेशन प्रॉपर होना चाहिए ड्राइवर्स प्रॉपर अपडेट होने चाहिए राइट कंपेटेबिलिटी इश्यू नहीं आना चाहिए और उनकी टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए टेस्ट रिजल्ट टेस्ट बग्स टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग रिजल्ट बग फिक्सिंग है ना हाउ मनी हाउ मेनी बग्स आर नॉट फिक्सड टिल नाउ उसके बाद आफ्टर हाउ मनी टाइम्स यू फिक्सिस एंड आफ्टर द मेटेनेंस वॉट आर सर्विसिज प्रोवाइड बाई द योर कंपनी एंड हाउ मेनी टाइम्स यू प्रोवाइड सर्विसिज एंड वॉट आर द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दीज राइट वो सारे डॉक्यूमेंटेड होते हैं प्रॉपर जैसे कभी आप सॉफ्टवेयर परचेज करें और कोई बग आ जाए तो इन दैट केस उस बग को कितने टाइम में फिक्स किया गया कॉस्ट ली नहीं ली रिजनेबल है नहीं है ईच एंड एवरी थिंग राइट बट 9003 में क्या आएगा ओनली इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ आई एस ओ नाइन थाउजेंड सर्टिफिकेशन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली फॉर अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपके प्रोडक्ट्स आई एस ओ नाइन थाउजेंडि सर्टिफाइड हैं तो कहीं ना कहीं वो कस्टमर का एक ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है बिकॉज ऑफ दैट कि ये सर्टिफाइड हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से स्टैंडर्ड गवर्निंग बॉडी जिसको प्रॉपर सर्वेलेंस करती है क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट right? तो क्या बेनिफिट्स हैं बेसिकली कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट्स होता रहता है क्योंकि मल्टीपल टाइम आप चेक करके कमियाँ बता के उसको नेक्स्ट टाइम में वो फिक्स करते रहते हैं इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्योंकि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ गुड की सर्विसेज जो हैं जो प्रोडक्ट आपने डिलीवर किया उसके बाद भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होता रहता है हमेशा एस्टिमेटिंग वेरियंस एस्टिमेट वेरिएशंस जो एस्टिमेट है वो हमेशा वेरी करता रहता है बट रीजनेबल होना चाहिए एंड बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमेशा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अच्छा होता जाता है और सर्विसेज़ बेटर होती जाती हैं कस्टमर के लिए राइट इम्प्रूवड प्रॉफिट लेवल्स अगर क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो कस्टमर बढ़ेंगे प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा अगर प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी है तो आपके कंज्यूमर ज़्यादा होंगे प्रोडक्ट के अगर आपकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी अच्छी है तो लोग ज़्यादा इंस्टॉल करेंगे ज़्यादा यूज़ करेंगे नेक्स्ट टाइम आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे अगर वो जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं तो मैक्सम यूजर्स के बढ़ जाएंगे राइट फेसबुक व्हाट्सएप ने किसी ने बोला तो नहीं था इंस्टॉल करिए ऑटोमेटिक सब ने डाउट कर लिया बिकॉज ऑफ गौड़ की गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर था राइट गूगल पर किसी ने बोला नहीं सर्च इंजन गूगल का यूज़ करो बट क्वालिटी है सब यूज़ करते हैं राइट right. तो बेटर क्वालिटी अगर रहेगी तो सर्विस अच्छी रहेगी तो लोग ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे राइट right. तो वो आई एस या सिम एम लेवल फाइव उसको सिम लेवल जो कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल है उसको बार बार रिव्यू इंस्पेक्ट करके क्वालिटी इंप्रूव होती रहती है जिससे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता रहता है और प्रॉफिट लेवल भी इनक्रीज़ होगा अगर आपके कस्टमर बढ़ेंगे तो राइट इम्प्रूवड कम्युनिकेशन मल्टीपल जगह आप देखिए कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है आप कस्टमर कॉल कीजिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन या कॉल पे या चैट बॉट बन गया आपको सर्विसेज कस्टमर को मिल जाती हैं उनकी हेल्प हो जाती है राइट right? अगर को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो फिक्स हो जाती है घर बैठे राइट एंड रिड्यूस द कॉस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा मैन पावर कम होगी है ना क्वालिटी एक बार आप अचीव कर चुके हैं और क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस है चलता रहता है ऑनगोइंग रहता है ये बट अगर ये क्वालिटी पैरामीटर है तो अननेसेसरी कॉस्ट आपकी नहीं जाएगी राइट प्रॉपर प्लानिंग ऑर्गेनाइज्ड वे में आप चीजें करेंगे तो ना ये तो अगर कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं जाएगी तो ओवरऑल बजट भी लो हो जाएगा तो ओवरऑल प्रोडक्ट की कॉस्ट लो हो जाएगी आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा कॉस्ट भी लो हो जाएगी कस्टमर को भी फायदा हो जाएगा विन विन मॉडल हो जाएगा राइट नेक्स्ट इज वॉट कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल वॉट इज दिस बेसिकली इट वॉज डेवलप्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट एस आई ई एस ई आई Right. And Kong Millennium University in the 1986, it specifies an engineering series of level of software development organization. The higher level and the better the software development processes. It can be used into two ways: capability evaluation and software process assessment. Though aspects science capability evaluation and software process assessment. सॉफ्टवेयर की क्वैपबिलिटीज क्या क्या हैं स्कोप्स क्या क्या हैं है ना और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने पर्टिकुलर प्रोसेस क्वालिटी प्रोसेस अप्लाई किया है कि नहीं किया है सॉफ्टवेयर प्रोसेस असेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए राइट बेसिकली सेम लेवल है क्या फाइव लेवल्स होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो लेवल वन में इनिशियल लेवल होता है लो कोई स्टार्टअप कंपनी है तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसमें डेवलपर टेस्टर टीम अलग अलग नहीं हो सकती छोटी कंपनी में स्टार्टअप में वही वही दो चार लोग हैं जो इम्प्लॉइज हैं वो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स भी ला रहे हैं टेस्टिंग भी कर रहे हैं डिलीवरी भी कर रहे हैं इनिशियल लेवल पर तो उसको सिम लेवल वन मिलेगा राइट कोई इंप्लॉयज़ कमी भी इंश्योरेंस हो ना हो मल्टीपल सैलरीज वगैरह मतलब मल्टी मुल्ट, मुल्ट, पैरामीटर पर ध्यान नहीं आता इनिशियल लेवल पर जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज़ होगा मतलब आपको एक्रेडेशन चाहिए अगर लेवल कंपनी को जैसे मल्टीमल मैक्सिमम कंपनी लेवल फाइव हैं जो आपकी नॉलेज um, है टी सी एस पी प्रो इन्फोसिस कांग्रेजेंट असेंचर है ना गूगल सिस्को मैनी मोर कंपनी ऑल आर द सेम लेवल फाइव कंपनी राइट मोर दैन दैट, वेरी गुड है ना बट जो इनिशियल लेवल पर स्टार्टअप कर रही हैं अभी कंपनीज वो धीरे धीरे इंक्रीज करती हैं इस लेवल पर उसके अकॉर्डिंग जो जो पैरामीटर्स हैं तो रिपीटेबल जो भी हैं चीज़ें वो सेम लेवल वन और टू तो पाना इजी आफ्टर दैट इज प्रॉपर डिफाइंड प्रोसेस होने चाहिए ईच एंड एवरी डिफाइंड होना चाहिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए लेवल थ्री जैसे आप आएंगे ना टू से जब थ्री पे आएंगे तो टफ हो जाएगा इंप्लाइज की प्रॉपर सिक्योरिटी फायर स्टिंग विशियर इच एंड एवरी मतलब मल्टीपल क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंपनी है ना सिटिंग अरेंजमेंट कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी मेडिकल पॉलिसीज है ना वर्किंग आवर्स एंड मैनी मोर थिंग्स एंड डिलीवरी ऑफ क्वाल प्रोडक्ट एंड हाउ टू मैनेज योर क्लाइंट हाउ टू इम्प्रूव योर क्वालिटी

कि इंडिविजुअल एफर्ट्स के बेसिस पे उनको प्रोग्रेस मिलने के चांसेस हैं कि वही प्रोजेक्ट ला रहे हैं मैंने जैसा बताया आपको वही टीम टेस्टिंग भी, भी कर रही है वही डेवलपमेंट भी कर रही है वही डिलीवरी भी कर रही है वही क्लाइंट से मीटिंग भी कर रही है है ना तो बेसिकली बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर रहता है और देन वो इनिशियल लेवल वन में काफ़ी हार्डवर्क होता है बट एक्चुअली क्या है कि काफ़ी चीज़ें मिसमैनेज और अनऑर्गनाइज होती हैं राइट क्वालिटी पर फोकस करके उनको आगे बढ़ना होता है क्लाइंट को सेटिसफाई करना होता है क्योंकि उनका बजट कम होता है और बहुत सारे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर के पास नहीं होता है राइट तो हीरोज इवेंचुअली आर मूव टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन टेकिंग विदर द वेल्थ एंड नॉलेज ऑफ द लेसन लर्न विद दैम जो अदर हायर लेवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं कंपनी उनसे आपको लर्न करना पड़ता है कैसे ऑर्गेनाइज कर रही सारी चीज़ें वो लेवल टू क्या रिपीटेबल द लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बेसिस एंड कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अब यहाँ पे मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो रहा है एंड ट्रैक द कॉस्ट शेड्यूल एंड फंक्शनैलिटी लेवल टू में क्या क्या चीज़ हमने ट्रैक track किया ट्रैकिंग ऑफ कॉस्ट मतलब ओवर बजट तो नहीं जा रहा है शेड्यूलिंग टाइम पर डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है और ईच एंड एवरी फंक्शनलिटी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही हैं तो थोड़ा तो टेस्टिंग का यहाँ पर रोल ज्यादा आ गया राइट right? डेवलपमेंट तो चल रहा था वन में भी एंड द प्रोसेस इज द प्लेस ऑफ रिपीट एंड अर्लियर सक्सेस एंड प्रोजेक्ट विद द सिमलर अप्प्लीकेशन सिमिलर टाइप मान लो वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं तो एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं कॉलेज की वेबसाइट्स हैं या इंश्योरेंस सेक्टर की वेबसाइट्स या बैंकिंग की वेबसाइट्स हैं तो उसी डोमेन में मल्टीपल वर्क करेंगे तो क्वालिटी ऑल्सो इंप्रूव होती जाएगी और जो स्किल जो उनके रिसोर्स पर्सन है वो भी एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उनका अगर वो रुकते हैं वहां कंपनी में तो प्रोग्राम मैनेजमेंट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेवल टू पूरे प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट को प्रॉपर मैनेज करना दैट इज अ की एरिया ऑफ द लेवल टू व्हाट इज लेवल थ्री बेसिकली the software process of both management and engineering activities are documented standardized zona proper and integrated into a standard software process for the entire organizations and all projects across the organization use an approved tailored version of the organization standard software process for the developing testing and maintaining the application that means what जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ऑल ऑवर द ऑर्गेनाइजेशन दे आर अप्रूव्ड टेलर्ड वर्जन होने चाहिए स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए एंड डेवलपिंग टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग एप्लीकेशन एंड ऑल्सो वर्किंग ऑन द टूल विद हेल्प ऑफ ऑटोमेटिक टूल ऑल्सो राइट मैनेजमेंट टूल्स यूज होने चाहिए राइट right? कौन कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए है ना कंपनीज के लिए सॉरी एच पॉलिसीज वगैरह टूल्स वगैरह यूज़ होने चाहिए प्रॉपर है ना क्लाइंट के कम्युनिकेशन के लिए क्या टूल्स यूज़ कर रहे हैं आप जिससे कि उसका कम्युनिकेशन प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड रहे रिलीजिंग प्रोसेस के लिए क्या आप प्रोसेस अपना रहे हैं आप ईच एंड एवरी प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए उनका है ना लेवल फोर में क्या होता है मैनेज मैनेजमेंट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट यूजिंग प्रसाइज मेजरमेंट्स फोर लेवल में थोड़ा सा और डिफिकल्टीज आ गई मतलब डिफिकल्टी मतलब क्वालिटी पैरामीटर और स्टैंडर्ड और हाई हो गया और एट दिस लेवल ऑर्गेनाइजेशन सेट द क्वांटिटेटिव क्वालिटी गोल फॉर द बोथ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस दोनों के लिए क्वांटिटेटिव गोल्स डिसाइड होते हैं कि ये लेवल क्वालिटी का होना चाहिए उसके बेले उसके पहले कोई कोई इफेन बट नहीं है ये क्वालिटी पैरामीटर जो सेट करें हैं कंपनी ने वो मिलने ही चाहिए राइट तो वो मेंटेनेंस टाइम पे मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना ही चाहिए आफ्टर द डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट राइट एट दिस मे्योरिटी लेवल बेसिकली इसीलिए इनको बोलते हैं कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल धीरे धीरे कंपनीज़ की मेच्योरिटी आती है क्वालिटी पे डिलीवर करने में राइट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस इज कंट्रोल्ड यूजिंग द स्टेटिस्टिकल एंड अदर क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स एंड क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव प्रेबल्स की क्वान्टिटिटी वाइज की स्टार रेटिंग कितनी मिली कस्टमर से कस्टमर स्टेक होल्डर कितने सेटिस्फाइड रहे कितनी बक्स आई डिफेक्ट कितनी आई कितनी फिक्स हुई राइट right? तो और टाइमली डिलीवर हुआ कि नहीं विद इन द प्रोजेक्ट विद इन टाइम हुआ कि नहीं इंप्लाई सारे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं स्टेक होल्डर सेटिस्फाई हैं कि नहीं मल्टीपल रिपोर्ट्स एंड फीडबैक्स प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये सारे कैल्कुलेशन uh, की जाती है दैट इज द क्वांटिटिव एक्चुअली नॉट वर्बली एंड वॉट इज द लेवल फाइव बेसिकली द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेवल फाइव फोकसिंग ऑन द कॉन्टिल इंप्रूविंग ऑन द प्रोसेस बोध इंक्रीमेंटल एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स होते हैं एंड चेंजेस ऑफ द प्रोसेस इंप्रूव द प्रोसेस परफॉर्मेंस ऑलवेज चेंजिंग को जो एग्रीमेंट किया जाता है और स्टेटिस्कल प्रोबिलिटी अचीविंग द इस्टेब्लिश क्वान्टिटेटिव प्रोसेस एंड इम्प्रूव द ऑब्जेक्टिव ऑलवेज इंप्रूव ऑब्जेक्टिव किया जाता है राइट तो स्विम लेवल फोकस इनिशियल लेवल पर कंपिटेंट पीपल होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है रिपीटेबल होता है टू में थर्ड में डिफाइनिंग द प्रोसेस एंड प्रोसेस डिफाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड पीयर रिव्यूज होते हैं इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होता है बट फोर में जब आएंगे तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस होता है तो ये सारी चीजें तो होंगी ही एड ऑन होता जाएगा क्वालिटेटिव प्रोसेस एंड मेट्रिकेस सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट क्या होगा डिफेक्ट प्रिवेंशन प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट एंड चेंज क्वालिटी मैनेजमेंट जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा सारी चीजें एड ऑन होती जाएंगी राइट कंपेरिजन बिटवीन द आई एस ओ एंड

और इन केस ऑफ आईसो नाइन थाउजेंड वर्ल्ड स्टैंडर्ड इज रिटर्न फॉर द वाइड रेंज ऑफ द इंडस्ट्रीज वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री मतलब कि वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी है प्रोडक्शन में जो भी है कोई मान लो कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या बाइक मैन्युफैक्चर हो रहा है या कोई फूड इंडस्ट्री है उसमें भी क्वालिटी पैरामीटर चेक करके आई वाले उसको सर्टिफाइड करते हैं बट कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल फ्रेमवर्क इज स्पेसिफाइज फॉर द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है बेसिकली सी एम लेवल कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल ओनली फॉर द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो क्या करेगा मल्टीपल क्वालिटीज चेक करके उनको एक्रिडेट करता है राइट मल्टीपल क्वालिटीज के अकॉर्डिंग जो उनका स्टैंडर्ड ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है और इंटरनेशनली एडॉप्टेड है राइट अ कैबलिटी मेजोरिटी मॉडल इज फाइव लेवल फ्रेमवर्क फॉर द मेजरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस एंड आई 9000 डिफाइन नाइन थाउजेंड द मिनिम लेवल ऑफ एट्रीब्यूट फॉर क्वालिटी मेजरमेंट प्रोग्राम बहुत डिफरेंस है दोनों में क्योंकि सेम लेवल वन टू तो फाइव जाने में काफ़ी प्रोसेस इंप्रूव करने पड़ते हैं टाइम टेकिंग प्रोसेस नॉट अ वन डे प्रोसेस राइट right. सेम आई में भी है बट आई ओनली डिफाइन मिनिमम लेवल नॉट फॉर द मल्टीपल हरारकी नहीं है कि आप लेवल वन से लेवल फाइव तक जाना है and iso 9000 what concept is the कॉन्सेप्ट set of फॉलोइंग सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ मेक सक्सेस रिपीटेबल राइट बट सेव्यू लेवल एम्फेसाइज ऑन प्रोसेस कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट कॉन्टीन्यूस कैसे हो रहा है पहले आपने अगर आपने कोई स्टार्टअप कंपनी है एमएसएमई है आप तो सेव्यू लेवल वन में आपने पहले क्या कीजिए प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया फिर नेक्स्ट में आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टेस्टिंग एडॉप्ट करी फिर नेक्स्ट में आपने प्रॉपर मैनेजमेंट ट्रैकिंग डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूवमेंट

एंड फिर फाइव ऑन सो ऑन राइट फॉर द इवेलुएशन इंप्रूवमेंट इन मूविंग फॉर्म लेवल वन अचीविंग बाई द नेक्स्ट लेवल एंड इवेन द हाइएस्ट लेवल ऑफ द मेच्योरिटी इज फोकसड ऑन दॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट जो लेवल फाइव भी है वो भी कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ आपको इंप्रूव करने के लिए आपको डायरेक्ट करता है राइट तो कैपिल्टी मेच्योरिटी मॉडल ओनली फॉर द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री For the quality checking, and standardised software, but ISO 9000, wide range of industry, right, and uh, we'll cover all the today. Thank you.